देखिए, आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो आपकी इवैल्यूएशन होती है एवरी टाइम अराउंड. आपकी इवैल्यूएशन होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है. आपने एक प्रॉमिस किया कि मैं ये करूंगा, और अगर उस प्रॉमिस पे आप पूरे नहीं उतरते तो आपकी डिमोशन भी होती है, आपकी प्रमोशन भी होती है. बिल्कुल. इतना बड़ा हमारे लिए एक वावेला मच जाता है अगर हम किसी को कुछ कह दें, इसलिए क्योंकि फिर तो कभी कभार ऐसा लगता है कि खोखला है सब कुछ, कि आप किसी को कुछ कह दें तो जी बड़ा वावेला मच जाता है एक बात पे. तो मुझे ये लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. बट विद ऑल दैट अकाउंटेबिलिटी, बट ऑल दैट पैशन, देखें जज्बा और जुनून, हिम्मत ना हार. आप बिल्कुल हिम्मत रख सकते हैं जज्बे और जुनून से, बट जज्बे और जुनून के साथ कुछ थोड़ा सा हमें इमोशंस को साइड पे रख के रैशनली भी चीज़ों को सोचना पड़ेगा. सिर्फ हम इमोशनल नहीं हो सकते, हम बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं इस खेल से, मगर हमें रैशनली होकर सोचना पड़ेगा. जो रैशनल चीज़ें मुशी भाई ने यहाँ पे इस वक्त कही है, वो रैशनल चीज़ों को वाकई सोचना पड़ेगा. इट इज़ द सिस्टम्स फ्लॉ. इस वक्त पैरेलली पाकिस्तान कब चल रहा है, 280, 260, 170, दीज आर द स्कोर्स जो पाकिस्तान कप के डोमेस्टिक में लड़के बना रहे हैं. सो जब डोमेस्टिक में लड़के ये बना रहे हैं, तो आपको लगता है इंटरनेशनल पे जाके 350 बना लेंगे? जब आपके डोमेस्टिक में कंफर्टेबल होके लड़के 300 नहीं टाप रहे हैं, तो आप कौन सा कह रहे हैं कि कहाँ जाके खेलें? हमारी टीम की कैपेबिलिटी जहाँ तक थी वहीं तक रही. हम बाबर आजम की बात करते हैं, क्यों हम बाबर आजम को इतना ब्लेम कर रहे हैं? बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया था? बनाया कप्तान के वो अच्छा परफॉर्म बनाया किसने? इंस्टेड कि हम बाबर आजम को ब्लेम करें, क्या हम उनके बारे में बात ना करें जिन्होंने बाबर आजम को कैप्टन बनाया? जिसने डोमेस्टिक में कभी कैप्टनसी नहीं की, जिसका डोमेस्टिक का कभी एक्सपीरियंस नहीं था कैप्टनसी का, क्योंकि वो टीम का सबसे अच्छा प्लेयर था, आपने उसके सर पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जस्ट इन फ्यू लाइक स्नैप ऑफ फिंगर्स. भाई टेस्ट भी संभाल लो, ओडीआई भी संभाल लो, टी20 भी संभाल लो. वो उसकी तो अपनी जो सफ़र हुआ धोखे, वो अभी भी नहीं मानते कि नहीं जी मेरी बैटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कैप्टनसी की वजह से. बट आई बैक टू डिफर, मे बी वो अलग सोचते होंगे किसी और तरीके से, मगर जो हमें सामने दिख रहा है हम उसी को कोट करेंगे. कैप्टनसी की वजह से आपने उस लड़के को भी डीरेल किया, एंड साथ साथ उसकी कैप्टनसी हमें दिख गई कि पाकिस्तान की बात की तो उसी से मैं अपने व्यूअर्स, हम बड़े पैशनेट हैं, लेकिन व्यूअर्स को मैं एक बात याद कराता चलूं कि 2018 का अंडर-19 का वर्ल्ड कप, इंडिया की तरफ से बेस्ट बैट्समैन शुभमन गिल था, पाकिस्तान की तरफ से अली जरियाब था, बोथ मेड इट टू द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट. उसके बाद शुभमन गिल ने 96 लिस्ट ए मैचेस खेले, अली जरियाब ने 4 लिस्ट ए मैचेस खेले. शुभमन गिल 123 टी20s का हिस्सा रहा, अली जरियाब 0 का. BCCI ने शुभमन गिल पे किस तरह इन्वेस्ट किया कि उसको इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया के टीम टूर्स पे भेजा, हमने अली जरियाब के साथ क्या किया? तो हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट पे ग्रास रूट लेवल पे क्या कर रहे हैं? मुशी भाई की वही बात आ गई ना कि हमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होगा. इंस्टेड के वो कैप्टन चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलना. आपको अगर कैंसर की बीमारी है तो कीमो करेंगे ना, या कीमो के बजाय आपके बुखार की दवा खिला के कहेंगे थैंक यू वेरी मच आप सही हो गए. सो पॉइंट वही है कि प्रॉपर इलाज बहुत जरूरी है. आपने जो शुभमन गिल और अली जरियाब की एग्जांपल दी है, दैट इज जस्ट वन सिंगल एग्जांपल. देयर सो मेनी अंडर 19 प्लेयर्स जो कि बीच में कहीं गायब हो गए. हम बार बार बात करते हैं कि जी बैकअप विकेट कीपर लेकर आए थे, मगर नहीं, क्योंकि चेयरमैन को दूसरा बैकअप विकेट कीपर अच्छा लग गया था जिसने अभी ज्यादा खेला हुआ भी नहीं था, तो उसको खिला दिया गया. जब फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा ना कि इसको डाल दो टीम में, तो उसको डाल दो टीम में, तो और वो फरमाइशी प्रोग्राम सॉरी टू से सिर्फ नेशनल टीम में नहीं होता है, वो फरमाइशी प्रोग्राम अंडर 19 में भी होता है. अंडर 19 से लेके नीचे जो रीजन्स की टीम खेल रही होती है उनमें भी होता है. सो जब तक ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं खत्म होगा, ये इसी तरह चलती रहेगी पाकिस्तान. मुशी भाई, मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगा, अगर बीच में ब्रेक लेनी पड़ गई तो वी कैन हैप्पीली कंटिन्यू इट आफ्टर द ब्रेक, कि हमारे बैकअप प्लेयर्स का क्या प्लान है हमारे पास? आप इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको देख लें, कि कोहली को भी पता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा ना, तो उसके नंबर 3 स्लॉट पे 3 पीछे प्लेयर्स हैं जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं. हमारे पास तो क्या रिप्लेसमेंट है? एक नसीम अनफिट हो गया तो हमें लाले पड़ गए, हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें. बोमेन, जब आप हारने से डरते हो ना, तो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते. दो तरह के इंसान कभी भी जिंदगी में किसी भी शोबे में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते. वो परफॉर्मेंस जरूर कर सकते हैं पर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते. एक वो जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हो, अपनी खुद की पर्सनल सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हो, और दूसरा जो अपने जॉब सीकर हो. ये दो किस्म के आदमी की डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते. बंदा डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं पैशन की, जो बिलीव करता है कि आई कैन मेक अ डिफरेंस.
वो बिलीव कैसे हो सकता है जब आप हार से हार का डर निकल जाता है आपके, आप बेंच वाले लड़कों को खिलाते हैं, आप एशिया कप जाके इंडिया जीत के जाता है, वापस जाता है, ऑस्ट्रेलिया के वगैरह मैच होता है, वो सारे सीनियर प्लेयरों को रेस्ट देके और वो दो मैच हार जाते हैं पहले, और उनके सीनियर प्लेयर आते हैं वो मैच हार जाते हैं, फिर भी वो सीनियर प्लेयर कंटिन्यू करते हैं वर्ल्ड कप में, वो वेस्ट इंडीज जाते हैं पूरी की पूरी नई टीम भिजवा देते हैं वेस्ट इंडीज में जाके, और वहाँ पर जाके सारे 20-20 मैचेस हार जाते हैं। दे हैव नो इशूज, उनका जो हेड कोच है वो उनको कंसिस्टेंसी के साथ मॉनिटर कर रहा है। जब आप बेंच के लड़कों को नहीं खिलाएंगे, अगर उसामा को हमने एशिया कप में खिलाया होता, अगर अबरार को खिलाया होता, या हमारा विजन ये होता, जब मैं आई एम सॉरी दिस इज वेरी सीन्स लाइक वेरी नेगेटिव, बट जब आपका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जाके उधर बैठा वो कंट्री क्रिकेट में कह के डिक्टेट कर रहा है ऑनलाइन कि जी इसको खिला दो इसको खिला दो, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है मोमेंट। ग्राउंड रियलिटी है कि मट्टी में पत्थरों में घुसना पड़ता है, आपको काला होना पड़ता है हीरा ढूंढने के लिए, आपको फर्स्ट क्लास में मारें खानी पड़ती हैं। मुझे बताओ ना हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ बड़ा कोच लगा हुआ, जिसने पाकिस्तान को 10-15-20 साल सर्व किया हो, जिसने 50 टेस्ट मैच खेले हो, कौन सा हमारे पाकिस्तान में ग्रास रूट से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक कौन से कोचेज हैं, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा कोच है जो पाकिस्तान टीम के साथ जा रहा है। मैं आपके इसी सवाल पे एक ब्रेक लेना चाहूँ। आज तो डोमेस्टिक हो रही थी तो हमारे पास बैकअप अंपायर नहीं था, वो अंपायर को वो जाना पड़ गया किसी इमरजेंसी में, तो बैकअप अंपायर नहीं था, तो पता नहीं डोमेस्टिक में हम क्या कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहीं से आप अपने बात कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। कीप वॉचिंग दिस स्पेशल एडिशन ऑफ हथकरघी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक पर जाने से पहले मुशी भाई ने एक बड़ी प्यारी बात की कि मोमिन जॉब सीकर कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, या जो इंसान जो हार से डरता है या फिर वो इंसान जो सिर्फ सर्वाइव करने आया है। और वाकई उनकी बात ठीक है कि अगर आपने वाकई डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको कौमी खिदमत के तौर पर खेलना होगा, आपको इस तरह खेलना होगा जिस तरह कि ये 23-24 करोड़ आवाम का पैशन, इनकी इमोशनल स्टेट, इनकी दुआएं आपके साथ है। तो मैं चाहूंगा मुशी भाई अब वहीं से अपनी बात कंटिन्यू करें और उसके बाद मैं सवालों के सिलसिले को आगे लेकर जाऊंगा। मोमेंट वही मोमेंटम की बात यही कर रहा था कि सिस्टम की बात कर रहे थे ना, हम प्लेयरों को कहते हैं कि उसको चेंज कर दो, फलां कर दो, ये निकाल दो, कप्तान को हटा दो। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि प्रोसेस, जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस का ही नहीं पता ना। मैं काउंटी क्रिकेट खेला, मैंने काउंटी छोड़ी, बीच में मैंने वायलेशन की, मैं छोड़ के वापस घर वापस आ गया। 5 साल तक उन्होंने किसी काउंटी ने मुझे साइन नहीं किया, जब तक कि मेरी एज ए लेग स्पिनर रिक्वायरमेंट थी। मुझे क्यों नहीं रखा गया, बिकॉज मैं सिस्टम को छोड़ा। उन्होंने जब मुझे रखा तो 5 काउंटी वालों से पूछा कि बताओ मुश्ताक का एटीट्यूड कैसा है, प्लेयर तो बड़ा है मगर क्या हमारा ड्रेसिंग रूम तो खराब नहीं करेगा, ये इसके एटीट्यूड कैसा है, इसका माइंडसेट कैसा है। 5 लोगों से पूछ के उन्होंने मुझे साइन किया ससेक्स ने। आप मुझे बताओ मिसबा कल रिटायर होता है, बड़ा अच्छा कप्तान, बड़ा अच्छा प्लेयर, क्या वो अच्छा कोच हो सकता है? कहां से आपको एविडेंस मिलेगा? जब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रोसेस उसको नहीं डालेंगे, वो सीख के नहीं आएगा, उसकी किट कैसे रहेगी? मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक ने अच्छा काम किया, आपने उतार दिया उनको। आप बड़ा प्लेयर होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सिस्टम, वो उसको कोचिंग आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोच नहीं कर सकता। एंडी फ्लावर हो गया, ग्राम गूच हो गया, जस्टिन लैंगर हो गया, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम। ये ट्रॉट जो है अफगानिस्तान का, जो जोनाथन ट्रॉट है, जो अफगानिस्तान का कोच है, 5-4 साल उसने इंग्लैंड लायंस के साथ कोचिंग किया ग्रास रूट के ऊपर, ताकि उसकी किट भी उतर जाए, उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाए कि आई एम फिनिश्ड, I'm done, I'm not any more player. मैं अब कोच हूं, और कोच का काम सुनना भी है और सुनाना भी है, डिसीजन करने भी है और उस डिसीजन को छोड़ना भी है। तो ये सारी चीजें बंदा अपना जिस तरह क्रिकेट में कैरियर में विकेट लेना सीखता है, रन करना सीखता है, इसी तरह कोचिंग भी सीखी जाती है। खेलना और बात होती है, खिलाना और बात होती है। ये सीखने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए ना। हमारी फर्स्ट जी मुशी भाई इतनी प्यारी डिस्कनेक्ट हो गए, इतनी प्यारी बात और इतना वैलिड पॉइंट कि हम अक्सर प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की बात कर देते हैं, लेकिन ये कितना वैलिड पॉइंट है कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी माइट नॉट बी अ वेरी गुड कोच, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इससे मुझे अपने यूनिवर्सिटी दौर की एक बात याद आ गई कि यूके में जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़, वो अक्सर जो टॉप रिसर्चर होता है उसको हायर कर लेते हैं और टीचर बना देते हैं, बट अ टॉप रिसर्चर माइट नॉट बी अ गुड टीचर। टीचिंग स्किल्स एक डिफरेंट स्किल्स है, टीचर ट्रेनिंग एक डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। आप हो सकता है आपने 4 किताबें लिख दी हो, लेकिन उन किताबों का इल्म बच्चे के जहन तक उसको ट्रांसफर करना, डालना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल एंड ऑल। सो अ गुड रिसर्चर माइट नॉट बी अ गुड टीचर, इसी तरह अ ग्रेट प्लेयर माइट नॉट बी अ ग्रेट कोच।
और उसके लिए उनको भी एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए जो कि फर्स्ट क्लास का है। तो मुशी भाई व्हाट अ ग्रेट पॉइंट, ये जो आपने पॉइंट रेज किया आई थिंक समथिंग दैट नेशनल टेलीविजन पे पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। और इससे बात मैं हाफिज साहब आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगा, थोड़ी इंजरी मैनेजमेंट पे बात करना चाहूँगा कि आज भी आपने देखा रिजवान भाई को ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रैम्प पढ़ते पढ़ते क्रैम्प उनका बच गया, हारिस की एग्जांपल आपके सामने, नसीम की एग्जांपल, समटाइम्स एक्टिंग, हाँ जो उन्होंने कहा था समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्रैम्प। और मुझे याद आया कि 2016 में टेस्ट से पहले हमारी जो टीम थी उसको आर्मी ने ट्रेनिंग सेशन दिया था